ஹலோ, குட் மார்னிங் இந்தியா. Monday to Friday, back to back classes, live from studio. Aaj hi subscribe karein Wi-Fi study channel ko. हेलो एवरीवन, मैं हूं सुष्मिता त्रिपाठी और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं वाई फाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग इंडियाज नंबर वन स्टडी चैनल पार्ट ऑफ अन एकेडमी नाउ. शुरू करते हैं सेशन को और बच्चों के बारह जैसा आपको पता है सभी लोग एक एक बार इस सेशन को शेयर कर दो. सेशन में अब वही चीजें बताई जा रही है जो आपकी डिमांड है, जो आप लोग कमेंट करते हो. जैसा आप लोगों ने बोला था मैम साइंटिफिक नेम पे करा दीजिएगा सेशन, तो आज हम लोग साइंटिफिक नेम जो भी जो जीव जंतु के वैज्ञानिक नाम होते हैं उस पर आज हम लोग सेशन करने वाले हैं. क्वेश्चन पूछे जाते हैं. एक और बात, मैं आपसे एक राय लेना चाहती थी कि अगर आप लोग मंजूरी दो तो हम लोग गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पे भी अपनी एक वीडियो को शुरू करते हैं जो कुछ पार्ट्स में आएगा, क्योंकि बहुत सारे रह चुके हैं, उन्होंने बहुत सारे काम किए हुए हैं तो कुछ पार्ट्स में चलेगा. इफ यू पीपल आर रेडी गिव मी अ थम्स अप, ठीक है, कमेंट के नीचे थम्स अप कर देना और बोल देना रेडी मैम, और अगर नहीं तो फिर वील प्रोसीड विद द अपडेटेड शेड्यूल, ठीक है, जो हमारा शेड्यूल है. चलो कॉमेंट्स देख लेते हैं. पहला हम लोग, पहला कॉमेंट है किसका, रिया शर्मा जी का. And the comment is, मिली जो मंजिलें तो कारवां भी बड़ा लग रहा था, वरना सफर में हर शख्स मुझे ठग रहा था. यूं ही नहीं पहुंचा हूं आज मैं इस मुकाम पर, जब सो रहा था तो जग हो रहा था. रिया शर्मा, ओके. एंड नेक्स्ट इज मंटू यादव. ही हैज रिटन, जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, ये आसमां भी आएगा जमीन पर, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए. बहुत ही अच्छी बातें लिखी है आप लोगों ने. अगर आप लोग इन सारी बातों से सहमत करते हो और इसे लागू करते हो तब तो क्या ही कहना है ना. चलो तो हम लोग बच्चों शुरू करते हैं सेशन को और सेशन देखते हैं. जैसा मैंने आपको बताया आज का सेशन है हमारा साइंटिफिक नेम्स पर, जो आप लोगों ने मुझे पहले कहा था कराने को. ओके चलो तो देखो, पहला क्या दिख रहा है हमें, सबसे पहला दिख रहा है सेब. सेब का क्या होता है, पाइरस मेलस, ठीक है, क्या होता है, पाइरस मेलस. इसके साथ ही साथ एक बात और याद रखिएगा कि सेब जो है कहाँ का नेशनल फ्रूट माना जाता है, इंग्लैंड में इसको नेशनल फ्रूट भी माना जाता है, ठीक है. किसकी बात हो रही है, बात हो रही है सेब यानी कि एप्पल. ओके अगला हमें क्या दिख रहा है, बैम्बू. बैम्बू यानी कि बांस. देखो अभी तक तो बैम्बू को हम लोग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते थे, लेकिन बांस जिसका कि साइंटिफिक नेम क्या होता है, बम्बोसा आर्दीना रिफोलिया, ठीक है, ये इसका क्या होता है, ये इसका साइंटिफिक नेम होता है. अभी फिलहाल में बैम्बू को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है देने लगे हम लोग. इसके लिए एक जो है पार्क भी शुरू किया जा रहा है, बैम्बू टेक्नोलॉजी पार्क भी आ रहा है, और इसका एक नॉर्थ ईस्ट रीजन में जो है असम में शुरू किया जाएगा. 62 करोड़ की खर्च पे होगा ये, 6 गांव इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर में, ठीक है. बेसिकली क्या किया जा रहा है, इसका पूरा यूज किया जा रहा है बैम्बू का, ताकि हम लोग इसको लेके अपने देश को आगे बढ़ सके. असम में शुरू होने वाला है इसका नेशनल बैम्बू पार्क, इंडस्ट्रियल पार्क होगा इसका, जिससे इसको इंडस्ट्री में यूज किया जाएगा और इसका बेटर तरीके से यूज़ किया जाएगा, ताकि कई जगह जहाँ पे हम लोग ऐसी चीज़ें यूज़ करते हैं जो हमारे एनवायरनमेंट को हार्म कर रही है, उसको ना यूज़ करके बैम्बू को यूज़ किया जा सकेगा. ओके अगला देखिए, ब्रिंजल का नाम है सोलानम मेलंगेना. बनाना, बनाना का नाम होता है मूसा पेरिडिस्कम. अच्छा बनाना कहाँ का नेशनल फ्रूट होता है, कंबोडिया का होता है. ब्लैक ग्राम यानी उड़द, इसको क्या कहते हो, पल्सुस मंगो. फिर बनियान, बरगद, फिस्कस बेंगालेहेंसिस. ओके जैसे बनियान है. अच्छा भारत का कौन सा जो है नेशनल ट्री होता है बताइएगा, बार्ले यानी कि जो. जो का नाम क्या होता है, हॉर्डियम वल्गेरे. ब्लैक पेपर, ब्लैक पेपर को क्या कहते हो, पाइपर नाइग्रम. ये सब क्वेश्चन पूछता है ना, पाइपर नाइग्रम किसका साइंटिफिक नेम है, या फिर आपसे पूछ लेगा कि फाइकस बेंगालेहेंसिस किसका साइंटिफिक नेम है, तो हमें सब पता होना चाहिए बच्चों. फटाफट इसको एक जगह लिखते चलना, देखते चलना. ओके एक बार लिखो, एक बार पढ़ो, फिर पीडीएफ देखते रहो, याद हो जाती हैं चीजें. ओके नेक्स्ट, कैरेट. कैरेट को क्या कहते हो, डॉकस कैरोटा. ये तो हम लोग बचपन में बहुत ज्यादा पढ़ते थे. अच्छा कैरेट जो है सबसे अच्छा सोर्स किस चीज का माना जाता है, कैरेट बहुत अच्छा सोर्स माना जाता है विटामिन की और पोटेशियम का.
बहुत सारी कमियों को दूर करता है, जिसको भी हेल्थ को लेके इश्यूज हो, आंखों को लेके। मैं बोलती तो बहुत हूँ, हालांकि मैं खुद भी इम्प्लीमेंट नहीं करती हूँ, बट अगर हो सके तो करना चाहिए, खानी चाहिए, चीज़ बहुत अच्छी मानी जाती है। फिर कैश्यू, काजू। काजू का क्या नाम होता है? एनाकार्डियम ऑक्सीडेंटेले। ओके, ये किसकी बात हो रही है? काजू, काजू की बात हम लोग कर रहे हैं। अच्छा, काजू का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन कौन है? भारत है, वियतनाम है, और भी है। ओके, लौंग। लौंग क्या है? सिसगियम एरोनाटिकम। ठीक है, ये हो गया लौंग। भयानक भयानक नाम है, इतने भयानक नाम की भूल ही जाते हैं। ओके, देन धनिया। धनिया का क्या होता है? धनिया दाम सातेवम। अच्छा, ये तो हम लोगों को बहुत आराम से समझ आ जाएगा। अंग्रेजी में कोरिएंडर हो गया तो ये आगे सामने लग गया है, और हिंदी में धनिया और ये आगे लग गया, तो हम लोगों को ये चीजें ऐसी याद हो जाती है। ओके, देन अगला है खीरा, कुकुम्बर। इसको क्या कहते हैं? कुकुमिस सतेवस। ठीक है, जिसको इसका इंग्लिश का नाम पता होगा वो भी कर लेगा बहुत आराम से। देन करी लीफ, करी पत्ता, जो हर खाने के स्वाद को तिगुना चौगुना पचगुना बेटर कर देता है। इसको हम लोग कहते हैं मुरैया कोनिंगी। देन शिमला मिर्च, इसका क्या होता है? कैप्सिकम फ्रूटसेंस। चीकू, इसको क्या कहते हो? अचरस सपोता। क्या कहते हो? अचरस सपोता। अगला में क्या दिख रहा है? कॉटन। कॉटन के बारे में आपको बताया था, सबसे बड़ा प्रोड्यूसर इसका पूरे विश्व में कौन है? चाइना, और भारत भी आता है। इसका जो साइंटिफिक नेम होता है, ये क्या होता है? जोसीपियम हर्बेसियम। ये पूछा जाता है कई कई बार, एग्जाम्स में पूछा गया हुआ है, सिंस कॉटन बहुत सारी चीजों में यूज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट इज गुआवा, अमरूद। ठीक है, अमरूद की हम लोग बात करें, इसको क्या कहते हैं? सीडियम गुआवा। ओके, सीडियम गुआवा। अच्छा, अमरूद कहाँ का नेशनल फ्रूट है? अमरूद की हम लोग बात करें तो पाकिस्तान के दो नेशनल फ्रूट होते हैं, एक विंटर का, एक समर का। विंटर में अमरूद होता है, समर में क्या होता है? समर में होता है मैंगो। ओके, अगला हमें दिख रहा है जिंजर। जिंजर का क्या होता है? जिंगाइबर ऑफिशिनेले। फिर लहसुन, ये क्या होता है? एलियम सेटिवम। ओके, नेक्स्ट इज लेमन, यानी कि नींबू। इसका क्या दिख रहा है? सिट्रस लिमोनियम। देन मेज, मेज का क्या दिख रहा है? जी मेज। ठीक है, अच्छा देखो, ये दिखा हमें मेज, और यहाँ पे हमें क्या दिखा है? माइस। ठीक है, तो मिलता जुलता नाम है ना, ये भी याद हो सकता है। आम, आम तो आपको पता है बहुत सारी जगह का नेशनल फ्रूट है, तीन देश तो हमें ऐसे याद रहते हैं, इंडिया का है, पाकिस्तान का, ये समर का नेशनल फ्रूट होता है, और इसके साथ ही साथ कहाँ का होता है? इसके साथ ही साथ और ये हो जाता है हमारे फिलीपींस का। ओके, अब एक चीज और जो हमें याद रखनी होगी वो क्या, कि इसका साइंटिफिक नेम क्या है? मैंगीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा इंडिका। ओके, कुछ कुछ नाम तो मिलते जुलते हैं जो इजीली याद हो जाता है, कुछ नहीं भी मिलते जुलते हैं, याद हो जाएगा लेकिन। देन नीम, नीम का क्या है? आजादी रचता इंडिका। भयानक टाइप है ना यार। अगला दिख रहा है प्याज, प्याज बहुत महंगा हो गया भाई, इसका नाम क्या है? एलियम कैपा। देन ऑरेंज, संतरा, इसका क्या होता है? सिट्रस ऑरेंजियम। भारत में इसका एक ऑरेंज फेस्टिवल भी चलता है, कहाँ पर चलता है? सब लोग लिखते जाना, जितने भी लोग देख रहे हो, ठीक है। अच्छा, अगर हम लोग बात करते हैं ऑरेंज का, तो ऑरेंज फेस्ट कहाँ होता है बताइएगा? और ये इस, ये कहाँ का नेशनल फ्रूट है? ये फ्लोरिडा का नेशनल फ्रूट माना जाता है, फ्लोरिडा यूएसए में इससे नेशनल फ्रूट माना जाता है। ओके, फिर क्या दिख रहा है? सॉरी, ऑरेंज होता है बच्चों, नॉट अनियन, फ्रूट है ही नहीं अनियन। ओके, अच्छा अगला देखिएगा, अगला क्या दिख रहा है? पी, मटर, पायसम सेटिवम। ठीक है, इतना याद रख लो, इतने से फिर याद हो जाएगा, शुरू कहीं ना कहीं उसको रिलेट कर रहा है तो हमें पता चल जा रहा है। ठीक है, फिर पपीता, पपीता को क्या कहते हो? कारिका पपाया। कितना आसान है, तुरंत याद हो जाएगा कि क्या है, इतने इजी नेम्स हैं इन सभी के। ठीक है, पपीता की हम लोग बात करें तो ये कहाँ का नेशनल फ्रूट कंसिडर किया जाता है? ये होता है मलेशिया में, वहाँ का राष्ट्रीय फल माना जाता है। अगला हमें दिख रहा है पोटैटो, आलू। इसका नाम क्या होता है? सोलैनम टुबरसम। ओके, इसके लिए जो आपको याद होगा, गोल्ड रिवोल्यूशन लाया गया था, जब मैंने आपको एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन पढ़ाई थी ना, तब उसमें बताया गया था। ठीक है, पीपल, पीपल की हम लोग बात करें, इसका नाम क्या होता है? फिकस रिलिजोसा लिन। थोड़ा सा डिफरेंट नाम है जो जनरल नहीं मिलता है। पाइनएप्पल का एरेनस सेटिवस। देन रेडिश, इसका क्या है? रेडिश का होता है रैपेनस सेटिवस। इतने भयानक टाइप हैं कि याद ही ना हो जल्दी इंसान को। एनीवे, अब अगला हम लोग जरा सा देखते हैं, राइस, राइस यानी चावल। इसको क्या कहते हो? ओरिजा सटिवा। ठीक है, अच्छा भारत में धान का कटोरा किसे कहते हैं? मैंने पूछा है भारत में धान का कटोरा, एक भारत के धान का कटोरा होता है और एक हरियाणा का होता है, धान का कटोरा। अंग्रेजी में क्या कहते हो? पैडी बॉल। अगर हम लोग हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में किसे कहते हैं? हरियाणा में हम लोग किसे कहते हैं? करनाल को। भारत में किसे धान का कटोरा कहते हैं, आप लोग ये बताइएगा। ठीक है,
नाउ सोयाबीन का क्या होता है ग्लाइसिन मैक्स और गुलाब का क्या होता है रोजा, ये तो आसानी से याद हो जाएगा. कमिंग टू नेक्स्ट सैंडलवुड चंदन का संतलम एल्बम, ठीक है. स्पाइनेश पालक, इसका क्या होता है लटुका सेटिवा. सनफ्लावर का क्या है हेलियंथस एनस, ठीक है. अगर आपको इसके बारे में और भी कुछ ज्यादा जानकारी है तो आप लोग वो भी कमेंट्स में लिखते रहा करो बच्चों. उससे क्या होता है आप लोग शेयर करते हो अपनी नॉलेज को, और अपनी नॉलेज को शेयर करना सबसे अच्छी चीज है. वो आपसे कोई छीन नहीं सकता है, वो तो आप लोग क्या कर सकते हो बस दूसरों में बांट सकते हो. कोई चाह के भी वो विद्वान वो तरीका उतनी नॉलेज तो सिर्फ आपको ही है ना, है ना. चलो फिर देखो अगला. अब जो है कुछ एनिमल्स की हम लोग बात कर लें. देखो आजकल के समय की हम लोग बात करें तो बहुत सारी जो है लुप्त प्राय प्राणी होते जा रहे हैं, एंडेंजर्ड स्पीसीज जिसको कहते हैं. इसी के लिए जो है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आया था, ठीक है. वन्य जीव संरक्षण अधिनियम ये कब आया था, ये 1972 में आया था. बहुत सारे ऐसे स्पीसीज हैं जो क्या होते जा रहे हैं, जो कि गायब होते जा रहे हैं, उनको बचाने के लिए इसको लाया गया था. फिर राष्ट्रीय वन नीति आई थी आपके, ठीक है. इसमें 33% वन क्षेत्र प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया था, ठीक है. ये कब लाया गया था, 1988 में लाया गया था. किसी तरह से जो एनिमल्स हैं जो फॉरेस्ट है उसको हम लोग क्या करना चाहते हैं, कंजर्व करना चाहते हैं, ठीक है. चलो तो अब जरा हम लोग देखते हैं किसका क्या क्या नाम है. ओके सबसे पहले हमें दिख रही है बिल्ली फेलिस कैटस. अच्छा पहले एक गेम आया करता था फेलिक्स, उसमें एक बिल्ली जो होती थी वो गुब्बारे लेके चला करती थी, दैट वाज फेलिक्स. तो अच्छा वो नाम ऐसे कैसे पड़ता है, हम लोग कई कई चीज़ें देखते हैं ना, इसका नाम ऐसा क्यों उसका नाम वैसा क्यों, कहीं ना कहीं उसको रिलेट करता रहता है, ठीक है. तो कैट का क्या दिख रहा है फेलिक्स. अगला है कोबरा, किंग कोबरा, इसका क्या है एलेपिडे नजल, ठीक है. अगला देखिएगा, अगला हमें दिख रहा है ऊंट. क्या दिख रहा है ऊंट, ऊंट का क्या लिखा हुआ है कैमलस कैमिलेडी. देन चीता, अच्छा चीता तेंदुआ और बाघ इन सब में हम लोग बहुत ज़्यादा क्या हो जाते हैं, इन सब में हम लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रखते हैं, ठीक है. तो रखना नहीं है हमें, जैसे अब मैं कहूँ सुंदरबन के जो टाइगर्स हैं वो किस में आ गए हैं, वो लुप्त प्राय प्राणी में आ गए हैं, एंडेंजर्ड स्पीसीज में आ गए हैं, ठीक है. तो उन्हें भी संरक्षित करने के लिए उनका भी एक अलग एक्ट बनाया गया है, ठीक है. जैसे बाघ संरक्षण एक होता है जो कि प्रोजेक्ट टाइगर के तहत आया था 1973 में. खैर ये तो हमारा चीता है और इसका नाम क्या है एसिनोजिक्स जुबेटस. अगला दिख रहा है चिंपांजी, बचपन में कहा जाता था ना अरे चिंपांजी हो क्या. ट्रोगोलाइडाइट्स, ठीक. फिर क्रोकोडाइल, मजे की बात तो ये है ना बच्चों कि क्रोकोडाइल भी जो है इसके भी प्रजनन प्रबंधन और संरक्षण का एक पूरा पूरा परियोजना है. 1975 मगरमच्छ प्रजनन और संरक्षण परियोजना, इनका एक योजना आया हुआ है जो कि आया था 1975, ठीक है. जो चीज हमें नॉर्मली मिल जाती है हमें लगता है कि ये तो इजी है, लेकिन इन सबों को संरक्षित किया जाता है ताकि ये कहीं विलुप्त ना हो जाए. लुप्त प्राय प्राणी में आ रहे हैं बहुत कुछ. कैमेलियन गिरगिट को क्या कहते हैं कैमेले ऑन्टीडेट. फिर कुत्ते को क्या कहते हैं कैनिस फेमिलियरिस. अगला क्या हमें दिख रहा है डियर हिरन. ओके क्या दिख रहा है डियर, बोले तो हिरन. अगर हम लोग हिरन की बात करें ना तो ये तो चलो ठीक है, ये इसका होता है एरिटोडैक्टिल कर्विडी. एक होता है हैंगुल जो कि कश्मीर साइड जनरली पाया जाता है, तो उसको कश्मीरी स्टैक के संरक्षण हेतु 1970 में रखा गया था. वो होता है हैंगुल परियोजना. पूछा जा सकता है हैंगुल परियोजना कब आया था, जो कि बहुत ही कम देखने को अब मिलते हैं एक्चुअली. और खैर इनको भी संरक्षित किया गया है, ये 1970 में किया गया था. और ये हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, तो नॉर्मल डियर है. फिर डॉल्फिन है, डॉल्फिन को क्या कहते हैं डेल्फिनेटेड डेल्फिस. एलिफेंट, हाथी को क्या कहते हैं प्रोबेसिडी एलिफेंटीडी. अभी आप लोग जैसे देखोगे कि हाथियों के लिए रिहैबिलिटेशन सेंटर और इनको जो कंजर्वेशन सेंटर लेमरू नाम का खुला हुआ है, ये सब अभी केरल साइड में खोला जा रहा है, जिसमें जितने भी ऐसे वाइल्ड हाथी हैं जो कि नॉर्मली ऐसे ही हैं किसी जंगल वगैरह में, अब ये धीरे धीरे क्या होती है उनकी भी काउंट कम हो रही है, तो उनको भी रखा जा रहा है. फिलहाल का क्वेश्चन जो आपसे करंट से एक पूछ सकता है कि इनके लिए लेमरू एलिफेंट रिजर्व सेंटर कहाँ खोला जा रहा है, ये कर्नाटका साइड केरल साइड में खोला जा रहा है, इनका हैबिटेट रिजर्व, ठीक है. हैबिटेट तो मैंने आपको बता दिया, अब लेमरू कहाँ खोला जा रहा है और कौन खोल रहा है ये आप लोग देखिएगा. ओके अगला हम क्या देख रहे हैं, फ्रॉग यानी कि मेढक एनुरा रेनिडे, ठीक. फिर फॉक्स यानी कि लोमड़ी, इसका है कैनिस वुल्पिस. फिर बकरी को क्या कहते हो कैप्रा हेकस, घोड़े को कहते हो इक्कस कैबलस. देन अगला है कंगारू. अच्छा कंगारू कहाँ ज्यादा पाया जाता है, कौन से देश में,
इसका क्या होता है, मैक्रोपस मैस्क्रोपीडिया और बाघ यानी कि पैंथरा लियो। जैसा मैंने आपको बताया था सुंदरबन जो है वो अपने बंगाली टाइगर के लिए फेमस है, जो धीरे धीरे क्या होते जा रहे हैं, धीरे धीरे वो भी लुप्त प्राय प्राणी में आ गए, जिसके लिए बहुत कुछ लाया गया हुआ है संरक्षित करने के उन्हें, ताकि वो हमारे वहां बने रहें। वही तो हमारे नेशनल एनिमल भी कहलाते हैं, है ना, नेशनल जो टाइगर्स होते हैं। अब देखो ये है माउस यानी चूहा, रोडेंटी मुरीडे, पैंथर यानी पैंथरा पार्डस, पिग यानी कि पिग, सुअर यानी कि एटियोडेक्टेला सुइडे। द नेम इज एक्चुअली डिफरेंट एंड डिफिकल्ट। चलो ये और हैं कुछ जो आप लोग देख लीजिएगा। कमिंग टू द डे ऑफ द डे, डे ऑफ द डे पे हम लोग चले, तो आज के दिन की खासियत क्या है, सबसे पहले है कि सोशल जस्टिस डे। सोशल जस्टिस डे एक आपका होता है नेशनल लेवल पर, और फिर एक आपका किस पे होता है, एक आपका होता है वर्ल्ड लेवल पर। नेशनल लेवल की हम लोग बात करें तो वो तो हम जैसा देख सकते हैं, आज हमारा क्या है, नेशनल लेवल पर चल रहा है, लेकिन अगर हम लोग इसके अलावा बात करें वर्ल्ड लेवल पर, तो वो 20 फरवरी को होता है। सोशल जस्टिस डे में क्या किया जाता है, जैसे आर्टिकल 15 है कि भेदभाव नहीं करना, इस पे ध्यान दिया जाएगा, ज़बरदस्ती जोरदारी पे किसी को जो है मजबूर नहीं कर सकते हो, मजदूरी के लिए किसी को मजबूर नहीं करोगे कि आपको मजदूरी करनी है, कानून की व्यवस्था सही की जाएगी, सती प्रथा ख़त्म करना, कन्या भ्रूण हत्या उसको ख़त्म करना, दहेज प्रथा, बाल विवाह ये सब कुछ ख़त्म करना, औरत और मर्द दोनों की सैलरी बराबर हो, ये सब आता है, ठीक है, सोशल जस्टिस में। ये आज के दिन मनाया जाता है। वर्ल्ड की बात करें तो वो कब होता है, 20 फरवरी को होता है। लक्ष्य कहीं ना कहीं दोनों का एक ही है। अगला देखिएगा 25 सितंबर अंत्योदय दिवस। अंत्योदय जी जैसा आपको पता है इनकी 2014 में 98वीं वर्षगांठ पे इस दिन को अंत्योदय दिवस के नाम से बताया गया था, ठीक है। बेसिकली किसके लिए है, पंडित दीनदयाल जी के ऊपर इसको बनाया गया हुआ है। अंत्योदय क्यों लगाया जाता है, क्योंकि इसका मतलब है गरीब से गरीब वर्ग को ऊंचा उठाना। फिर दिख रहा है आज की मिठाई में हमारे पास क्या, आज की मिठाई में पहला है कि 1972 में 8वां ज्ञानपीठ पुरस्कार रामधारी सिंह दिनकर जी को हिंदी से दिया गया था। इसके पहले जो है हिंदी भाषा में किसको दिया गया था, सुमित्रा नंदन पंत जी को दिया गया था, फिर रामधारी सिंह दिनकर जी को दिया गया था उर्वशी के लिए, ओके। और ये शुरुआत कब हुई थी, इसकी 65 में शुरुआत हुई थी, ओके। अगला, इस साल का ज्ञानपीठ किसे मिला है, मैं कई बार बता चुकी हूँ, इस बार जरा आप बताइएगा। फिर देखिए 1969 में जो है किसकी, इसरो की संगठन की स्थापना हुई थी, भारत सरकार द्वारा अंतरिक्ष आयोग का गठन कर जून 1972 में अंतरिक्ष विभाग की स्थापना की गई, तथा सितंबर 1972 में इसरो को अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत लाया गया, ठीक है। जो हम लोग आज स्पेस की उड़ान भर रहे हैं ना, वो इसी के दिन की शुरुआत हुई थी, इसरो जो कि स्थित है बैंगलोर में, जिसके हेड है के सिवान। अभी हम लोग पढ़ रहे थे चंद्रयान गगनयान, ये बताया जा चुका है, एक बार पिछला वाला देख लेना। उसके बाद देख लो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, भारत की संसद का एक अधिनियम है जो पौधों और जानवरों की प्रजातियों के संरक्षण के लिए बनाया गया था, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो भी ऐसे पौधे और जानवर हैं जो कि लुप्त प्राय हो रहे हैं, उनका नाम इसमें दिया जाता है। आज का होमवर्क है आपका, अभी तक टोटल कितनी कैटेगरीज आई हैं, इसमें टोटल कितनी कैटेगरीज डाली गई हैं, ठीक है। चलो तो ये था हमारा आज का सेशन। अगर आपको सेशन पसंद आया तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बहुत बनते हैं। और गवर्नर जनरल वाली बात बताइएगा, अगर आप चाहते हो कि गवर्नर जनरल पे सेशन हो तो हम लोग उसे आगे लाते हैं, ओके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, एंड आई लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।